तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। की मिलिट्री छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बंदूकें तान कर खड़ी है, ये मर्दानगी है, ये इंसानियत है। और कहा है मुल्क, यह दुनिया के बाकी मुल्क का है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं भी दुनिया में जिस किसी के ऊपर नाहक जुल्म होगा हम उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। और तमाम मुल्कों के लोग अमन की बात करते हैं, तो अभी फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इनका अमन वाली बात कहाँ गई? लब्बैक 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 या फिलिस्तीन, लब्बैक 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 या फिलिस्तीन, फिलिस्तीन हम तुम्हारे साथ है। आज कुछ एक दो मुल्कों को छोड़कर आज पूरी दुनिया के जितने मुल्क है सब खामोश रहकर तमाशा देख रही है। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। इजराइल और हमास गुरुवार को संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए। 11 दिन तक चले इस युद्ध की वजह से गजा पट्टी में तबाही मची थी। अधिकांश इजराइल में जीवन ठप हो गया और 200 से अधिक लोग मारे गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट ने गजा पट्टी में 11 दिनों से चल रहे सैन्य अभियान को रोकने के लिए एक तरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दी है। मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद यह फैसला किया गया। इसी लड़ाई को रोकने के लिए ताज का लंगर की ओर से फिलिस्तीन को अपना सहयोग देने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि यह बात सिर्फ जात और धर्म और मजहब की नहीं है बल्कि इंसानियत की है। तो आप सभी भी इस आंदोलन को सहयोग करें। आज हम लोग यहाँ पर इसराइल ने गाजा और फिलिस्तीन के ऊपर में जो हमला किया है उसके विरोध के लिए और उनके लिए सॉलिडारिटी के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। रमज़ान का महीना चल रहा था और लोग मस्जिद अक्सा में इबादत कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इसराइल ने हमला कर कई बेकसूर लोगों की जान ले ली। 1948 से पहले इसराइल का कोई वजूद नहीं था। 1948 में उसे जब थोड़ी सी जगह फिलिस्तीन में मिली उसके बाद उसने अपने दुनिया की यहूदी आकाओं से मदद ले करके जिस तरीके से फिलिस्तीनी लैंड पर कब्ज़ा बढ़ाना अपना शुरू किया और आज जुल्म की इंतहा हो गई। कई सालों से वो इसराइल फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म करता आ रहा है। हम उनकी इस घिनौनी हरकत पर हम अपना इजहार गुस्से का इजहार करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि आप देखें कि औरतें बच्चों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। ये सिविलियंस के ऊपर में हथियार चलाते, आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कि ये कोई मूवी का सीन नहीं है। हमने वीडियोस देखी है, आप दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया को आप देख लो, उसमें औरतों के हिजाब उनके स्कार्फ खींच करके जो है मिलिट्री घसीटते हुए उनको ले जा रही है, बच्चों को मार रही है, छोटे छोटे बच्चों की लाशें हमने स्ट्रेचर पर जाते हुए वो वीडियोज़ हमने देखे। तो क्या इनके अंदर में इंसानियत नहीं है? क्या उन फौजियों के हाथ नहीं कांपते? अब हम उनसे मुतालबा करते अपनी इंडियन गवर्नमेंट से कि हर मजलूम के लिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए। अब इसराइल ने तो जो है रात में 2 बजे के करीब खबर आई है कि उन लोगों ने जो है अभी 11 दिन से जो युद्ध चल रहा था उसको उन लोगों ने रोका है, विराम लगाया है। लेकिन अब बात इस पर ख़त्म नहीं होती, इंसानियत के लिए सबको आवाज़ उठाना चाहिए। इसलिए हम इंडियन गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसराइल के ऊपर हमला करने की नीति तैयार करे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत है, हमारी फौज ने जो है चाइना को तो लाल लाल आके खूब दिखा दी, पाकिस्तान के ऊपर में हम लोग सीना तान के खड़े हैं, अब हमारे फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर में जुल्म हो रहा है। जी इसमें तो देशों में दुश्मनी पैदा हो जाएंगी ना? देशों में दुश्मनी पैदा नहीं होंगी, तो आप यूनाइट करें ना। यूनाइटेड नेशंस करके आ रहा है, 11 दिन तक के जो मासूमों की जान चली गई, क्या यूनाइटेड नेशंस ने अपनी कोई जिम्मेदारी निभाया? आप बताएं कि यूनाइटेड नेशन ने कोई एक्शन लिया? क्या इसराइल को समझाने की कोशिश की गई? उल्टा जो है अलग अलग देशों ने उनके साथ में आर्म्स डील साइन किया है, तो फिर क्या सारे लोग वहाँ पे जब यूनाइट होते हैं यूनाइटेड नेशंस में तो वो करते क्या है? क्या एक बदमाश मुल्क को अपन रोक नहीं लगा सकते? अगर सारे दुनिया की मुल्क मिल करके आतंकवाद को नहीं रोक सकते तो फिर इसराइल को क्या रोकेंगे? इसराइल तो एक मुल्क है ना, तो उसको नहीं रोक सकते आप। तो ऐसे करके दुनिया के जितने मुल्क हैं, तुर्की आवाज़ उठा रहा है,
इसके साथ में अगर कोई और अगर मुल्क, भारत ने भी उनका साथ देना चाहिए कि इसराइल ने जो मासूम लोगों का कत्ल किया है, उन पर हमला किया है, उनसे बदला लेना चाहिए। मैं इसराइल के औरतों और बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो फौजियों ने इनके ऊपर में हमला किया है, उनके एयरबेस पर, उनके ऊपर में जो है हमला करके, उनको सबक सिखाना चाहिए। यही हमारा उनसे मुतालबा है। और साथ ही साथ जो हमले कर रहे हैं, जो बॉयकॉट जो छुपा रहा था वो, एक जो इसराइल, हम लोग जो इसराइली प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आज इसराइल बहुत ताकतवर हो चुका है। उसके चाहे अपेरल्स हो, फूड प्रोडक्ट्स हो, सारी चीज़ें आज मार्केट में है और इंडिया से एक अच्छा खासा उसको जो है प्रॉफिट होता है। तो नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है कि हम अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने वोकल फॉर लोकल का लॉन्च किया था, तो हम अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड करें, डेवलप करें, उनको यूज़ करें जो अपने देसी प्रोडक्ट्स है। और जो ये प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे हैं गिने चुने, हम बारी बारी से उसको वायरल भी करते जाएंगे कि जो जिनका सोर्सेस इसराइल से जुड़े हुए हैं, यहूदियों से जुड़े हुए हैं, उसका बॉयकॉट करें, उसका इस्तेमाल कम करें, कम से कम करके ख़त्म करें, और ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें जो जिनसे प्रॉफिट से, जिनके प्रॉफिट से वो हथियार खरीदते और हमारे ही लोगों पर, इंसानों पर हमला करते। तो हम अपील करते हैं कि उनके प्रोडक्ट ना खरीदें और इंसानियत का साथ दें। बस अस्सलाम वालेकुम, हम हिंदुस्तान नागपुर के टीम ताश के लंगर की जानिब से खड़े और मज़लूम फ़लस्तीन के साथ खड़े, और हम दुनिया के अमन पसंद तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि आप भी जो है इसराइल का बायकॉट करें और फ़लस्तीन के साथ खड़े रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं ताज का लंगर टीम से आमिर अहमद। मैं ये बताना चाहता हूँ जिस तरीके से पूरी दुनिया में, जहाँ तक सीरिया है, शाम है, लिबनान है, इराक है, अफगानिस्तान है, ईरान है, बर्मा है, जिस जगह पे जहाँ मुसलमानों को और आलम इंसानियत को जो तकलीफ और खून रेजी का जो शिकार बनाया जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ एवन यहूदियों और इसराइल देश का ही याद है। और जो ये सोचते हैं कि इस्लाम पे तशद्दुद पैदा करके मुसलमानों को और आलम इस्लाम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ इस्लाम एक ऐसा मज़हब, एक ऐसा दीन है जिस पर हर एक सदी में जुल्म, सितम और खून रेजी का शिकार हुआ है। तो ऐसे लोग, और भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, जो संगी और तिलकधारी जो आतंकवाद फैलाते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में किसी भी मज़हब के मानने वाले अपना नाम देते हो, हम उनको ये पैगाम, ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो कतई ही कोई भी सदी में और ता कयामत तक कामयाब नहीं होने वाली, जीत हक की और इस्लाम की है, जो कि आलम इंसानियत का पैगाम देता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।